ये देखिए, इससे करीब 25 से 30 फीट ऊंचाई तक स्प्रे हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शोभाराम FTJ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से टैंकर से स्प्रे किया जाता है आम के बागानों में और उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो आगे वीडियो में आप लोग देखिए। आम के पौधों में बौर आना चालू हो गया है, इस समय इसमें स्प्रे की ज़रूरत है। जो पुराने कीट हैं और ख़ास करके पौधे जो शुष्क अवस्था में पड़े हुए हैं ठंड के वजह से, तो उनके लिए भी गर्मी के लिए आपको सल्फर और क्यूनाल फास का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय आम के बागों की देख रेख के लिए जो है इसमें सल्फर और क्यूनाल फास आप डाल दीजिए, जिससे जो हल्के फुल्के कीट पतंगे हैं वो साफ़ हो जाए और फंगीसाइड की भी ज़रूरत है। तो सल्फ़र आपका एक तो पौधों को गर्म रखता है, दूसरे जो है फंगस का भी काम करता है। आइए आगे अभी दिखाते हैं जो टैंकर से दवा पड़ती है। ये है WDG सल्फ़र जो भी टैंकर में डाला जा रहा है। ये पानी भरने के लिए इसी टैंकर से स्प्रे हो जाता है और इसी से ये जो है पानी भी भर जाता है। आइए आपको टैंकर में अभी ऊपर दिखाते हैं। ये भाई साहब पानी भर रहे हैं। ये देखिए मशीन चालू हो गई है और इस तरह से देखिए इसमें एक जुगाड़ सिस्टम बनाया गया है। गन जो है छोटी आती है जिसमें लग्गी बांधी जाती थी, तो उसके जगह पे इसमें स्टील का राड लगा दिया गया है और आगे गन बनी हुई है। देखिए किस तरह से ये फव्वारा फेंक रही है। ये देखिए, इससे करीब 25 से 30 फीट ऊंचाई तक स्प्रे हो सकता है। देखिए एक एक पत्ती पे बहुत बेहतर ढंग से स्प्रे हो जाता है। ये जो भी कीट पतंगे हैं सब नष्ट हो जाते हैं और जिस तरह से बताया गया कि सल्फर के प्रयोग से एक तो फंगस का काम होता है, दूसरे गर्मी बनाती है, तो ये जो है बौर और अच्छा निकलने लगेगा। आप सभी का FTJ यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितने लोग नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह नई नई वीडियो के बारे में जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए।